हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिटल ज्ञान चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई कस्टमर आपसे परफेक्ट टाइम डिलीवरी के लिए अनुरोध कर रहा है तो आप उसे SDMS में अपडेट कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको चले जाना है रिलेशनशिप पे। रिलेशनशिप पे जाने के बाद में आपको जिस कस्टमर ने आपसे परफेक्ट टाइम डिलीवरी के लिए रिक्वेस्ट डाली है तो उसका LPG ID ले लेंगे और उसके बाद में सिंपली उसके हाइपर लिंक पर क्लिक कर लेंगे रिलेशनशिप ID से। और उसके बाद में आपको नीचे सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन शो हो रहा होगा, उस पर सेलेक्ट कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद में आपको प्लस के सिंबल पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद में ट्रांजेक्शन टाइप में आपको ले लेना है। परफेक्ट टाइम डिलीवरी और उसके बाद में ट्रांजेक्शन सब टाइप में OPT आउट है तो आपको इन लेना है, नहीं तो सब्सिडी नहीं आएगी। जैसा कि देख सकते हैं ऑन बोर्ड है, OTP इन ले लेना है। और उसके बाद में SR सर्विस हाइपर लिंक को क्लिक कर लेंगे। क्लिक कर लेने के बाद में आपको परफेक्ट टाइम डे मांगेगा, किस दिन चाहिए आपको। इसमें जो भी दिन आपका कस्टमर अनुरोध कर रहा हो उस दिन डाल दीजिए। और जैसा कि मैंने बिजनेस डे डाल दिया है, और परफेक्ट टाइम डाल देना है कि आपको सुबह बिफोर 8 बजे से पहले या 11 से 3 के बीच चाहिए या एनी टाइम जो भी हो आप उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप सेलेक्ट करने के बाद आप कोई डॉक्यूमेंट करना ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, उसके अलावा अगर नहीं करना चाहते तो आपको सबमिट SR पर क्लिक कर लेना है। सिंपली आपका अपडेट हो गया है। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही अपडेट हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। इसी के साथ हमें अनुमति दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।